हिंसा और हंगामे का नया वीडियो सामने आया है। वीडियो में बांग्लादेश सेना के साथ प्रदर्शनकारियों की झड़प होते हुए वीडियो सामने आया है। प्रदर्शनकारियों के हाथों में हथियार दिखाई दे रहा है और वे सेना के जवानों पर भी पत्थर फेंक रहे हैं। ये वीडियो बांग्लादेश के गोपालगंज का बताया जा रहा है। यहाँ शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी दौरान उनकी झड़प सुरक्षा कर्मियों से हो गई। इस दौरान सुरक्षा कर्मियों की गाड़ी में भी आग लगा दी गई। इस हमले में 15 लोग घायल हुए हैं, जिसमें सेना के 5 जवान भी शामिल हैं। और बड़ी खबर है बांग्लादेश से, जहां कई जगहों पर हिंदुओं के खिलाफ हुई हिंसा के विरोध में हिंदुओं ने बड़ा प्रदर्शन किया है। लाखों की संख्या में सड़कों पर उतरे हिंदुओं ने बांग्लादेश में जारी हिंसा का विरोध किया है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका से लेकर चटगांव और पंचगढ़ तक हिंदुओं ने हिंसा के खिलाफ प्रदर्शन किया। ढाका के सड़कों पर हिंदू समुदाय के हजारों लोगों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने हिंदुओं की सुरक्षा के लिए कदम उठाने की मांग की और अल्पसंख्यक सुरक्षा आयोग की मांग की है। प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि सरकार उन लोगों को मुआवजा दे जिन्होंने अपनी संपत्ति खो दी है और जिन मंदिरों को तोड़ दिया गया है उनका पुनर्निर्माण किया जाए। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर ढाका में सड़कों पर हिंदुओं का जो जत्था है वो उतरा हुआ है। इसके साथ साथ ये कहा जा रहा है कि जो उनकी संपत्ति का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जाए। इसके साथ साथ जो मंदिर जलाई गई हैं उनका पुनर्निर्माण करवाया जाए। तो ये तस्वीर है जहां पर देखिए हिंदुओं का एक बड़ा समूह जो है वो आज सड़कों पर नजर आ रहा है और लगातार इनके तरफ से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, क्योंकि बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं और ऐसे में ये लोग सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।